सुप्रभात दोस्तों। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का प्लान है जू सफारी जाने का। जी हाँ, राजगीर का वही जू सफारी जिसकी बहुत चर्चा है ग्लास ब्रिज के लिए, और वहाँ जीप लाइनिंग भी है, सस्पेंशन ब्रिज है, और जाने क्या क्या है। चलिए चलकर पता करते हैं। बाय द वे दोस्तों, हमें चलते चलते रास्ते में ये वेनू वन दिखा, तो मुझे लगा इससे जुड़ी एक बात बता दूं आपको। गौतम बुद्ध के टाइम में नालंदा में आम्र वन होने की बात कही गई थी, और यहाँ राजगृहा जो तब था, अब राजगीर है, यहाँ पे वेनू वन यानी बांस के वन होने की बात कही गई थी। तो यही आप बांस के वन का एक पार्क देख सकते हैं यहाँ पे, वेनू वन करके है। बाकी मैं अंदर नहीं जा रहा पार्क पर, अब चलते हैं। आप ठंड के मौसम में राजगीर आएंगे और आपके दाईं ओर ये बर्म कुंड का द्वार हो, तो आप इस गर्म जल के कुंड को इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताइए। तो इसे बिना दिखाए हम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। यहाँ बगल में है सूर्यकुंड, वो इस वाले पहाड़ से पानी आता है, और इस वाले पहाड़ से जो आता है वो ब्रह्म कुंड है। बताई जाती है इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इस कुंड का पानी ज़्यादा गर्म है, और इसमें सल्फर की मात्रा कम है, तो यहाँ सूर्यकुंड में पानी थोड़ा कम गर्म होता है। कुछ दिन पहले हम सूर्यकुंड आए थे। जिन पहाड़ों से यह पानी आती है वहाँ काफ़ी सारी वनस्पति और जड़ी बूटी है। सूर्यकुंड के पानी में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इस वजह से भी लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, राजगीर शहर से नेचर सफारी की दूरी करीब 10 किलोमीटर है, और ये हम पहुंच चुके हैं। ये कितनी बड़ी कतार है, इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेमस है ये जगह ग्लास ब्रिज। टिकट तक मिलना मुश्किल हो जाता है। बीच बीच में यहाँ बंदर लंच कर लेता है, लाइन में लगे लोगों के हाथों से खाने की चीजों को छुड़ा कर ले भागता है। वैसे हम लोगों को लाइन में लगे हुए 5-6 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, और फिर भी ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही। यही गाड़ी आपको अंदर करीब 8 किलोमीटर दूर नेचर सफारी तक पहुंचाती है। सुबह 7:38 में हम लाइन लगे थे और दोपहर के बज रहे हैं 1:36, अभी हमें मिली है टिकट। यहाँ बस में चढ़ने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। 500 हेक्टेयर में फैले ये नेचर सफारी 2017 में 20 करोड़ की लागत से बनना शुरू हुआ, और मार्च 2021 में विजिटर्स यहाँ आने लगे। और हम पहुँच चुके हैं नेचर सफारी। दोस्तों, फिलहाल यहाँ जू सफारी में एनिमल्स वगैरह लाए नहीं गए हैं, तो आने वाले दिनों में जिस बस से हम आए उसी से आप खुले में घूमते हुए एनिमल्स को देख पाएंगे जू सफारी में। ये टिकट प्राइस है। एंट्री टिकट आपको बाहर से लेनी होती है, बाकी टिकट आप यहाँ आकर ही लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग ग्लास ब्रिज के लिए जा रहे हैं, और यहाँ आपको टिकट देनी होती है। वहीं बगल में हमें सस्पेंशन ब्रिज भी देखने को मिलेगा। वैसे अभी डेवलपमेंट का काम जारी है, अभी बटरफ्लाई पार्क है या रोपवे वगैरह भी बननी है, तो ये सारी चीजें अभी बनी रही है। और दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं ग्लास ब्रिज के एंट्री पॉइंट। दोस्तों, यही है वो ग्लास ब्रिज राजगीर का, जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, जिसके लिए भीड़ 7-7 घंटे तक वेट करती है टिकट लेने का, और फिर भी कईयों को टिकट नहीं मिल पाती है, वो वापस लौट जाते हैं। इस ब्रिज की लंबाई 85 फीट है और 4 फीट चौड़ा है ये ब्रिज। Of a cliff,
Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, from him sin. दोस्तों यही है वो ग्लास ब्रिज जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के राजगीर में। वैसे मोबाइल स्क्रीन पे आप देख तो सकते हैं पर पूरी एक्सपीरियंस आप जब तक जाएंगे नहीं उस ब्रिज पे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। आप जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये ग्लास ब्रिज। काफी उम्दा काफी आला लग रहा है हमें तो। यहाँ आकर सच में भूल गया कि 7 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ की एक्सपीरियंस ही उतना कमाल है। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए तो उन्हें भी देखना है। खैर यहां से अब वापस लौट रहे हैं और अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि अभी तो सिर्फ ग्लास ब्रिज देखी है, बाकी सारी चीजें देखनी बाकी है।